तो कैसा लगा आपको पूजा करके? तो कैसा लग रहा तुमको यहाँ पर आके? आज जानकी बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच। और अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा भीड़ थी, अभी थोड़ा सा भीड़ कम हो गई। जैसे नंबर आता है तो हम करते हैं पूजा, आप बने रहे हमारे साथ। दोनों वृक्षों की शादी हुई थी पहले, तो इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं। पूजा हो गई है, बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर पूजा कर ली है। और यहाँ पर हमारी रामलीला होती है, अभी इसका नव निर्माण किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से एक बार न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जानकी जोशी, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9:30 बजे से, तो 9:30 बज गया है और मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी साड़ी वाड़ी पहन के। तो आज मैंने बिल्कुल न्यू साड़ी पहनी है, रेड कलर की, और उसमें डाल दिया है अपना पहाड़ी पिछौड़ा। तो ये मेरा आज का लुक है और आज का आउटफिट है। तो मैं तैयार हो गई हूँ और आज है वट सावित्री, तो वट सावित्री का व्रत मेरा है, तो इसीलिए मैं तैयार हुई हूँ। और आप सभी महिलाओं को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और सदा आप लोग भी सुहागन रहें और मैं भी सुहागन रहूँ। तो इसी कामना के साथ आज का व्रत रखा हुआ है वट सावित्री का। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैं आज पहले बोल रही हूँ। तो आइए करते हैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। तो आज हम जा रहे हैं मंदिर में, वहाँ पर पीपल और बट दोनों वृक्ष होते हैं, तो आज बट वृक्ष की पूजा होती है, तो वहीं पर पूजा करने के लिए हम लोग जाएंगे। और वहाँ पर पंडित जी भी आए रहते हैं, पंडित जी पूजा करेंगे, तो हमारी कॉलोनी की सारी महिलाएं वहाँ पर जाएंगी, हम साथ में पूजा करेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और साथ ही ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज। और मैंने आज पहली बार व्रत रखा हुआ है, और आज तक मैंने वट सावित्री का व्रत नहीं रखा था। मेरी शादी को अब 2200 साल लग गया है, तो मैंने आज तक नहीं रखा था। तो अब मेरा मन कर रहा है कि वट सावित्री का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि ये हम हिंदुओं का और हम पहाड़ियों का बहुत ही अच्छा व्रत होता है और सभी महिलाएं रखती हैं, तो इसीलिए मैंने भी रखा हुआ है। और साथ ही मेरी दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा उकसाया कि आप दीदी व्रत नहीं रखती हो वट सावित्री का, तो आप आज व्रत रखोगी तो रखोगी। तो मेरी तबीयत भी कुछ खास नहीं थी, मतलब बदन में दर्द वगैरह था, तो मैंने कहा छोड़ो ये तो होता ही रहता है, लेकिन व्रत जो है मैं आज जरूरी रखूँगी, तो इसलिए मैंने भी व्रत रख लिया है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में। तैयार होके मैं निकलने लग गई हूँ और सारा सामान मैंने कंप्लीट रख लिया है, और मैं जा रही हूँ मंदिर में वट वृक्ष की पूजा करने के लिए। तो हमारी सारी सहेलियाँ वहाँ पर आ चुकी हैं और मेरे भी फोन आ गया कि जल्दी आओ करके, तो मैं निकल रही हूँ आपको वहीं पर जाके। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं रामलीला ग्राउंड में, और यहाँ पर अब हमारी होगी पूजा की तैयारी, और पंडित जी यहाँ पर और बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं, तो हम भी यहाँ पर पूजा के लिए अपना नंबर लगा रहे हैं। तो जैसे नंबर आता है तो हम करते हैं पूजा, आप बने रहे हमारे साथ। तो फाइनली दोस्तों, जैसे तैसे हम लोग पहुंच गए थे अंदर, बड़ी मुश्किल से हम लोग धक्का मुक्की करके अंदर पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर ना गोल सर्कल में लेडीजें बैठी हुई थी, तो बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। मैं तो जैसे तैसे मतलब बड़ी मुश्किल से बैठी हुई, पंडित जी ने मुझे थोड़ा सा जगह दी, तो उसमें मैंने एडजस्ट करके मैं बैठी गई थी। और उसके बाद पूजा करते हैं वट वृक्ष की, और उसके बाद लास्ट में होती है वट वृक्ष की परिक्रमा, और उसके साथ ही होते हैं 7 फेरे। तो 7 फेरे यहाँ पर लगाए जाते हैं, और 7 फेरे लगाते लगाते यहाँ पर जो कलावा होता है उससे 7 बार वृक्ष को लपेटा जाता है, और उसके बाद जो लास्ट में धागा बचता है उसको वहीं पर एंड कर देते हैं, मतलब वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो यही प्रक्रिया हमारे यहाँ पर चल रही है। अंदर गर्मी हो रही है, बाहर हवा चल रही है, बहुत ज्यादा गर्म, बाहर तो हवा अच्छी चल रही है। थैंक यू सो मच वीडियो बनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा हो गई है, बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर पूजा कर ली है। ये है बट वृक्ष हमारे पीछे से, बहुत बड़ा वृक्ष है, और सामने पीछे से है पीपल का वृक्ष। दोनों वृक्षों की शादी हुई थी पहले, तो इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए, और सभी महिलाओं ने यहाँ पर पूजा कर ली है। बहुत अच्छी तरीके से पूजा हो गई, लेकिन भीड़ काफ़ी थी और गर्मी काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब पूजा करने में दिक्कत हुई, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छी तरीके से हमारी पूजा हो गई है। और मेरी वीडियो बनाने में मेरी मदद करी है मीना डंगवाल ने, और इनका भी चैनल है क्या, मीना डंगवाल नाम से इनका भी चैनल है, तो इन्होंने मेरी बहुत मदद करी वीडियो बनाने में। और अब मुझे पता चलेगा कैसी वीडियो बनाई है करके, क्योंकि जब एडिट करूँगी और अच्छी बनाई होगी, क्योंकि उनका भी चैनल है, तो उनको आइडिया है वीडियो बनाने का। तो ये है वट वृक्ष जहाँ पर हमने पूजा करी है अभी, और अब हम जाएंगे घर को,
साथ में सहेलियाँ लोग सभी यहाँ पर रील्स बनाने में लगे हैं और काफ़ी दोस्त लोग यहाँ पर अभी भी पूजा कर रही हैं महिलाएं। अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अभी थोड़ा सा भीड़ कम हो गई है, लेकिन बहुत मज़ा आया पूजा करने में और बहुत आनंद आया। आज मेरा पहला व्रत है और मैंने आज तक व्रत रखा नहीं था, आज पहली बार मैंने यहाँ पर व्रत रखा हुआ है वट सावित्री का, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे साथ साथ में जो भी मेरे दोस्त लोग थे तो उन्हें काफ़ी हेल्प करी मुझे बताने में, बहुत अच्छा लगा। तो अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अभी फिर भी इतनी भीड़ लगी है। और ये है हमारे पंडित जी जिनने हमारी पूजा करवाई, और यहाँ पर है पीपल का वृक्ष और ये है बट वृक्ष, तो ये दोनों वृक्षों की पहले शादी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर बट सावित्री की पूजा की जाती है, तो बहुत मान्यता है यहाँ पर। और ये है हमारा शीश महल का रामलीला ग्राउंड, और यहाँ पर हमारी रामलीला होती है, अभी इसका नव निर्माण किया जा रहा है रामलीला मैदान का, जो पहले जो है यहाँ पर पुराना था तो उसको दोबारा से उसका नव निर्माण किया जा रहा है, तो ये रामलीला मंच है। और यहाँ पर काफ़ी शादियाँ भी की जाती हैं और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं काफ़ी, मतलब इसमें यहाँ पर कलाकार भी आते हैं दूर दूर से, तो बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। आजकल थोड़ा सा ये नव निर्माण की वजह से थोड़ा अस्त व्यस्त हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है। और यहाँ पर भी ये पीपल का वृक्ष है और साथ में ये लोग लगे हुए हैं अपनी रील्स बनाने में, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए कोई लोग अभी हमारे पहचान के आ भी रहे हैं, और हमारी कॉलोनी इधर साइड को है और इधर साइड को है नैनीताल हाईवे रोड, ये है नैनीताल हाईवे जहाँ से आप देख रहे हैं बस वगैरह जा रही हैं, और इधर साइड को है हमारी कॉलोनी और बीच में पड़ता है रेलवे ट्रैक और सामने है गैस गोदाम। तो कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पर आके? आज जानकी बहुत सुंदर लग रही है, थैंक यू सो मच। और इनने व्रत नहीं रखा है, तुमने क्यों नहीं रखा व्रत? क्या कहें, करवा चौथ का व्रत लेते तो भी बहुत है। सच में मुझे भी ताकत नहीं थी, पता है मैं कल मैंने सारा सामान ले आई थी और सुबह मुझे लगा कि मुझे अजीब सा हो रहा है, फिर रे लिया जैसे तैसे मैंने। तो कैसा लगा आपको पूजा करके? बहुत अच्छा लगा, मुश्किलों से हमारी पूजा संपन्न हुई है, बहुत मजा आया ना, बहुत मजा। लेकिन गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और भीड़ बहुत ज्यादा थी, इस वजह से हमको थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन पूजा करने में कोई ऐसी दिक्कत मतलब नहीं हुई, और लेकिन अच्छे से हमारी पूजा हो गई है, हमारे पंडित जी ने हमारी अच्छे से पूजा कर ली है, और साथ में हमारी है पंडताइन जी मीनाक्षी और ये हमारी काफी हेल्प करती है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी 2 बजे से हमारे है मंदिर में कीर्तन, तो आप देखो हमारी मेहंदी कैसी लगी है? बहुत सुंदर, मेरी तो मेहंदी लग के उतर भी गई है। मेरी भी यार। लो किसकी मेहंदी ज्यादा अच्छी लग रही, कमेंट कीजिए। मेरे पता है मैं कल लगाऊंगी करके मेरी मेहंदी ऐसी रह गई, मैं सो गई, बहुत ज्यादा थका दिया था मुझे कल इसने दौड़ाते दौड़ाते, तो मेरी मेहंदी नहीं लग पाई, कोई बात नहीं, मेरे हाथ में पुरानी मेहंदी बनाइएगा। तो स्कूटी की वजह से पैदल आदत बहुत ज्यादा बेकार आदत हो गई है, कोई बात नहीं सुधार लेंगे अपने आदत को। तो अभी हम चलते हैं घर को। तो हमारी तो पूजा हो चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी महिलाएं पूजा कर रही हैं, आप देख सकते हैं और कितने उत्साह और उससे ये लोग पूजा कर रहे हैं। अभी हम भी यहाँ पर लगे थे लाइन में तो बड़ी हालत ख़राब हुई थी, अभी थोड़ा सा भीड़ कम हो गई है तो थोड़ा इनका सही हो गया पूजा करने के लिए, लेकिन हमारी जो है बहुत ज़्यादा आफत आई थी पूजा करने में। तो अभी घर आ गई हूँ मंदिर से, और घर आके मैं प्रसाद खा रही हूँ जो मंदिर से मिला हुआ था, केले का प्रसाद उसको खा रही हूँ। और अभी मैंने अपना ये जेवर भी नहीं उतार रखा है, ज्वेलरी नहीं उतार रखी है, इसको भी उतारना है, और 2 बजे जाना है मंदिर में। तो आशा करती हूँ कि ये वाला ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा बट सावित्री का, क्योंकि छोटा सा ब्लॉग है और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दे रहा है इस वाले ब्लॉग को, और अपनों तक ज़रूर शेयर करना, और चैनल पर जो न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। उत्तराखंड के ऐसी रीति रिवाज और हमारे कल्चर और हमारे डेली के ब्लॉग, डेली के जो हमारी दिनचर्या है उसको देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।